तो हेलो दोस्तों, नागेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो में मैं ये आरपीएम मीटर जो है तो मैं ये इसे यहाँ पे फिट करने वाला हूँ, तो इस कुछ इस ब्रैकेट से, तो इस ब्रैकेट की मदद से मैं इसको फिट कर लूँगा। तो ये डिस्क का ब्रेक शू आता है, तो मेरे पास बहुत सारा पड़ा हुआ था क्योंकि डिस्क का ब्रेक शू बहुत सारा चेंज कर चुका हूँ, तो ये मेरे पास ईजिली मिल जाएगा। तो मैं इसी से काम चलाता हूँ, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से मोड़ लूँगा जैसे कि ये ब्रैकेट वहाँ पर फिट हो सके, और तो कुछ इस तरीके से ये फिट हो जाएगा यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों, तो अभी तक आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, और भी नए नए वीडियोस आते रहेंगे, कुछ ज़बरदस्त वीडियो बनाता रहूँगा दोस्तों। तो इसको वीडियो के देखने के लिए तो पूरी वीडियो को देखते रहो दोस्तों। तो आपको भी अगर ऐसी लगानी है तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से, तो उसकी वायरिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप लोग कोई भी बाइक पे लगा सकते हो, अगर आपकी बाइक में आरपीएम मीटर नहीं भी आती हो तो आप लोग इसको लगा सकते हो। तो उसको मैंने पहले से खोल लिया था, इसको खोल कर मैंने यहाँ पर छेदा कर लिया दोस्तों। तो छेदा करने के बाद ये कुछ इस तरीके से फिट होगा, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो पहले थोड़ा डेमो करके दिखा देते हैं आप लोगों को, फिर उसके बाद एकदम पूरी तरह से फिट कर लेंगे, उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे दोस्तों तो किस तरीके से क्या होता ना होता सब कुछ। देखते रहो, बहुत कुछ देखने के, बहुत कुछ सीखने के और बहुत कुछ जानने को मिलेगा दोस्तों। तो अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, ऐसे ढांसू ढांसू वीडियोस आते रहेंगे दोस्तों। तो देखो कुछ इस तरीके से मैंने इसको फिट कर लिया दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हो। तो इसका वायरिंग फायरिंग सब कुछ दिखाऊंगा, और इसको पीछे से भी दिखा देता हूँ तो मैंने किस तरीके से फिट किया है। तो इसको मैंने ये जो ब्रेक लीवर का जो क्लैम होता था उससे मैंने फिट कर लिया। तो इसको देखो पीछे से मैंने नट बोल्ट्स किस तरीके से लगाया है, तो बिल्कुल इजी काम है, आप लोग घर पे भी कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको मेरे से करवाना तो मैं आप करके दूंगा आप लोगों को, तो आप लोग देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से करवा सकते हो आप लोग। तो हीरो ग्लैमर पे जो कि आरपीएम मीटर नहीं देता है, तो कोई भी गाड़ी में आरपीएम मीटर लग जाएगा दोस्तों। तो इसका बहुत सारा फ़ायदा भी है, तो आप लोग देख सकते हो। वायरिंग जो कि ये ब्लैक वाला अर्थिंग हो जाएगा, अर्थ कर देंगे इसको, तो ये वाला रेड ब्लैक, तो इसको सिग्नल पे दे देंगे एसटी कॉल का सिग्नल, और ये इसको पावर पे दे देंगे पॉजिटिव पावर। तो कुछ इस तरीके से इसका वायरिंग आ जाएगा, तो इसका फ़ायदा बहुत सारा है दोस्तों। तो ये ब्लैक वाला वायर माने ये जो रेड ब्लैक था उसको मैं एसटी कॉल पे लगा दूंगा। तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से वायर को लेके जाना होगा, और आप लोग देख सकते हो कि मैंने जो ब्लैक वाला वायर है उसको अर्थ कर दिया ठीक यहीं पे नीचे पे, तो नट बोल्ट करके अर्थ कर दिया दोस्तों कुछ इस तरीके से। तो उसको नेगेटिव पॉइंट भी मिल गया दोस्तों। तो और एक बचा हुआ है पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव वाला हेड खोलना पड़ेगा, हेड खोल के लगाएंगे। तो हेड कुछ किस तरीके से खोलेंगे वो सब कुछ मैं दिखाऊंगा, तो तब तक के लिए देखते रहो। और नीचे वाला जो वायर है, नीचे वाला जो एसटी कॉल का सिग्नल में जाएगा कुछ इस तरीके से आएगा, तो एसटी कॉल थोड़ा दिखा देता हूँ कैसा क्या होता ना होता। तो वहाँ पर दोनों वायर दिखेंगे दोस्तों, तो कौन सा में लगाना वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो आप लोग देख सकते हो, तो कुछ इस तरीके से मैंने ग्रीन वाला पे लगाया था, ग्रीन टेस्ट करके देख लेना चाहिए तो किसमें पावर है ना है, तो आपको टेस्ट करके देखना पड़ेगा क्योंकि हर गाड़ी का अलग अलग कलर आता है, तो अलग अलग पॉइंट भी आता है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, तो आप लोग देख सकते हो। अब मैं इसको हेड खोलूँगा तो सारा स्क्रू खोल लूँगा, तो ऊपर वाला खोल लेते हैं पहले, तो एक एक करके सब कुछ खोल लेंगे, तो उसके बाद हेड निकल जाएगा दोस्तों कुछ इस तरीके से, आप लोग देख सकते हो। तो फाइनली मैंने हेड को खोल लिया, तो आप लोग देख सकते हो। तो हेड्स के अंदर ये जो हेडलाइट का जो वायर था उसको मैंने डिसकनेक्ट कर दिया, ये प्लग एंड प्ले वाला आता है तो इजीली खुल जाता है, तो इजीली आप खोल के रख सकते हो हेड को कहीं पे साइड पे। तो ये आप दिखा देता हूँ, तो ये इग्निशन का वायरस है, तो इग्निशन का वायर में भी प्लग एंड प्ले वाला आता है, तो उसको ईजिली आप लोग खोल सकते हो। तो इसको पहले खोल लेना ठीक है, तो खोल कर आपको दिखेगा दोनों पिन अंदर होंगे, दो पिन होंगे, तो किस में पावर है तो उसको पहले चेक कर लेना। वो कैसे चेक करेंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले पीछे वाला जो वायर आता है वो तो उसको पहले घुसा लेंगे, जो पॉजिटिव हमको देना है तो उसको पहले खींच लेंगे पीछे से, तो उसको पहले निकाल लेते दोस्तों। तो ये देखो कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा पीछे से, ऐसे ही घुसा देना, इजीली आप लोग कर सकते हो, घर पे कोई भी कर लेगा इजीली है। तो इसको पहले छिल भी लेंगे, थोड़ा ज़्यादा करके छिल लेंगे जैसे कि ये पिन के अंदर घुस सके। और किस में पावर है माने कौन सा वायर पे फेस है तो उसको कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए एक तो टेस्टर बना लेंगे, तो ये लैम्प टेस्टर मैं यूज़ करूँगा। तो लैम्प टेस्टर को पहले वो पिन में घुसा लेंगे इग्निशन वाला पिन पे, तो चेक करके देखेंगे कि किस में पावर है, और एक वायर को अर्थ करेंगे, तो अर्थ करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा में फेस है। तो आप लोग देख सकते हो, तो ये ग्लो कर रहा है तो उसका मतलब उस वायर पे फेस है। तो मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा दूंगा, तो आप लोग को पहले
फिर जो है वो जो फेस वाला वायर जो हमको लगाना है तो उसको मैं इसमें लगा लूँगा, जो जिसमें फेस है उसका ऑपोजिट में लगाना है दोस्तों, क्योंकि जिसमें फेस होगा तो उसमें लगा देंगे तो आपकी बैटरी डाउन हो जाएगी दोस्तों, काम तो करेगा लेकिन बैटरी डाउन हो जाएगा, तो जिसमें फेस नहीं है उसमें लगाएंगे दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से लगा लिया हम लोगों ने, तो अब कुछ अब आपको टेस्ट करके दिखाएंगे कि ये कैसे काम करता है, तो देख लो। तो फिलहाल तो मेरे पास ये टेप ख़त्म हो गया, तो टेप नहीं मिल पाया तो अभी ऐसे ही लगा दिया हूँ, तो बाहर से बाद में टेप ला के लगा दूँगा। तो देख सकते हो ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है, तो आप लोग भी घर पे ट्राई करो, बनाओ, या फिर आपको मेरे से करवाना तो करवा सकते हो। कोई भी बाइक पे हो जाएगा, स्कूटर में भी हो जाएगा दोस्तों, स्कूटी में भी हो जाएगा, या फिर कोई भी बाइक हो सके तो जिसमें आरपीएम मीटर नहीं आती हो तो उसमें हो जाएगा दोस्तों, एनएचपी में भी हो जाएगा दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से आता है, देख सकते हो।